दुनिया ने ये शायद साबित किया है कि इसराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का उस वक्त का बयान है कि लोगों को अपने हकूक से महरूम रखना, बिलखसूस खाना पीना और तेल, ये एक वॉर क्राइम है। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इसराइल गाजा के साथ कर रहा है क्या वो वॉर क्राइम नहीं है?